फ्रेंड आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज के एडिटिंग में बहुत खास होने वाला है। आज के एडिटिंग में यही है कि सैड फोटो कैसे एडिटिंग करते हैं। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर पहला बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि जब भी ऐसा एडिटिंग का वीडियो डालूंगा तभी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो तरह बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से अपना फ़ोटो शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ़ोटो शेयर कर लेते हैं लाइटरूम के अंदर। तो लाइटरूम के अंदर शेयर कर लेते हैं अपने फ़ोटो। तो लाइटरूम के अंदर शेयर कर लेने के बाद अपने मोबाइल के स्क्रीन पर कुछ इस टाइप के हाथ चलाएंगे। तो यहाँ से लाइटरूम लिखा है तो इस पर टाइप कर देना। तो जैसे मैं लाइटरूम में टाइप करेंगे तो यहाँ से मेरा लाइटरूम में फ़ोटो आ चुका है। तो मेरा ये फ़ोटो रहा, तो अपने फ़ोटो पर क्लिक कर लेना, ठीक है। तो मेरा ये फ़ोटो रहा। तो यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से एक प्रीसेट पर जाना, ठीक है। तो मैं ये प्रीसेट रखा हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट करेंगे तो इस वीडियो में कमेंट करेंगे प्रीसेट का, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रीसेट का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो यह सेटिंग का ऑप्शन ओके इस पर टाइप कर देना, और यहाँ से कॉपी सेटिंग लिखा है इस पर टाइप कर देना, ठीक है। और यहाँ से इस पर सब पर टाइप कर लेना, ठीक है मेरे भाई लोग। इस पर टाइप कर देने के बाद यहाँ से अपना फ़ोटो पा जाना, और यहाँ सेटिंग का ऑप्शन ओके इस पर टाइप कर देना, और यहाँ से प्रीसेट सेटिंग लिखा है इस पर टाइप कर देना। तो आप देख रहे हैं कितना मस्त मेरा प्रीसेट हो गया है बिफोर एंड डॉक्टर। तो यहाँ से आ जाना कलर पे, और यहाँ से अपने कलर को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से अपने मैक्स पर टाइप कर देना, और यहाँ से अपने बैकग्राउंड को कलर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम बैकग्राउंड को कलर चेंज कर लेते हैं। ये थोड़ा इतना बढ़ा देना, ठीक है। ये इतना रख लेने के बाद और यहाँ से इस पर टाइप कर देना, और ये इतना ये कर लेना, ठीक है। ये इतना कर लेने के बाद इसको कम करना, अपने शॉर्ट को कलर चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ से कलर पर शॉर्ट का कलर पर चेंज हो रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ से अपने कलर के एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इतना कर लेने के बाद इस पर टाइप कर देना, और ये थोड़ा कम कर लेना, ठीक है। इतना कम कर लेने के बाद फिर देख रहे हैं बिफोर एंड डॉक्टर। तो यहाँ से डोन पे टाइप कर देना, और यहाँ से इनफेस्ट लिखा इस पर टाइप कर देना, और यहाँ से क्वालिटी को थोड़ा कम कर लेना, ठीक है। दो माइनस दो रख लेना, ठीक है। और यहाँ से अपना फ़ोटो शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से अपना फ़ोटो शेयर कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई लोग। तो यहाँ से शेयर पर टाइप कर देना। तो गाइज आप लोग भी ऐसा एडिटिंग सीखने हैं, सॉरी फ्रेंड आप लोग भी ऐसा एडिटिंग सीखना है तो इस चैनल पर एकदम शुरू से ले कर अंत तक वॉच करना इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग का स्टेप बाई स्टेप जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम फेक एडिटिंग नहीं लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपना फ़ोटो शेयर कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई लोग। तो यहाँ से अपना फ़ोटो शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से स्केच बुक में फ़ोटो शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्केच बुक में टाइप कर देना। तो यहाँ से अपना स्केच बुक के अंदर टाइप कर देना अपना फ़ोटो, ठीक है। तो स्केच बुक के अंदर अपना फ़ोटो टाइप कर देना, ठीक है। तो मेरा ऑटोडेस्क में फ़ोटो आने में देर लगता है क्योंकि न्यू अपडेट हुआ है ऑटोडेस्क, ठीक है। तो इस पर निचला पर टाइप कर देना, और यहाँ से डिलीट पर टाइप कर देना, ठीक है। तो इस पर टाइप कर देने के बाद यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से आप देख रहे हैं कितना मस्त मेरा फेस का लुक है, और इस पर फेस पर पीला चढ़ाऊँगा तो और ही ख़तरनाक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ सेट यहाँ से लाइब्रेरी पर टाइप कर देना लेयर पर, और यहाँ से प्लस का चिन्ह इस पर टाइप कर देना। तो यहाँ से प्लस का चिन्ह पर टाइप कर देना, और इस पर टाइप कर देना, ठीक है। और यहाँ से ब्लेंडिंग लिखा है इस पर टाइप कर देना। इस पर टाइप कर देने के बाद फिर यहाँ से ऊपर टाइप से बढ़ाएंगे तो यहाँ सॉफ्ट कर देना, ठीक है। सप्लाइट कर देने के बाद फिर यहाँ से अपने कलर पर एडजस्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से कलर एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इतना कलर रख लेना, और यहाँ से सेटिंग वाली ब्रश पर जाएंगे, और यहाँ से लाइब्रेरी पर टाइप करने के बाद यही ब्रश रख लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्रश रख लेते हैं, ठीक है। सॉरी फ्रेंड ये ब्रश रख लेते हैं। ये ब्रश रख लेने के बाद यहाँ सेटिंग मिला लेना, और यहाँ से 42 रख लेना, और ये 43 रख लेना, और ये 99 रख लेना, ठीक है। इतना रख लेने के बाद फिर यहाँ से अपना ये पूरा साइज बढ़ा लेना, ठीक है। और इस पर टाइप कर देना, और इसके पूरा बढ़ा देना, अपने फ़ोटो का जूमिंग कर लेना, और इसके पूरा बढ़ा लेना, 100 रख लेना, ठीक है। और इतना रख लेने के बाद अपने फेस पर कुछ इस टाइप के अप्लाई करना, ठीक है।
तो कितना मस्त पेंट चढ़ा है, आप लोग भी कर पाएंगे अगर इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप रहेंगे तो। ठीक है मेरे भाई लोग, तो चलिए तनी वीडियो फास्ट कर लेते हैं कि वीडियो में देरी ना होए। ठीक है फ्रेंड, स्मूथ तो हो गया है, सॉरी फ्रेंड भाई लोग, तो एक कलर चढ़ गया है मेरा फेस पे। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ तनी वाइट लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ से मैच कैसे कराए, तो इस पर टाइप कर देना और ये साइज कम कर लेना। ठीक है, साइज कम कर लेना। ठीक है, ये 62 रख लेना और इस पर, तो यहाँ से इस पर टाइप चलाना। ठीक है, ऐसा अपना फोटो जूमिंग कर लेना और इस पर एकदम बिल्कुल बराबर चलाना। ठीक है, और यहाँ से अपना फोटो कम जूमिंग कम कर लेना। ठीक है, और जहाँ जहाँ ब्लैक लग रहा है वहाँ से इसे कम कर लेना और इस पर टाइप करना। ठीक है, और इसके इरेज करके मिला लेना। ठीक है, इस पर जहाँ जहाँ वाइट लग रहा है तहाँ तहाँ मिला लेना। ठीक है मेरे भाई लोग, तो इतना मिला लेने के बाद फ्रेंड यहाँ से इस पर लेयर पर टाइप करना और इस पर टाइप कर देना और यहाँ से इसे कम कर लेना। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल रहा और यहाँ से इतना पूरा फुल स्मूथ हुआ है। ठीक है, कलर चढ़ा है तो मैं इतना कलर रख लेता है। ठीक है, कि मेरा मैच खा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना मस्त मेरा लग रहा है मेरा फेस। तो चलिए फ्रेंड यहाँ से, तो सर फ्रेंड यहाँ से चलिए तो फ़ोटो अपना सेव कर लेते हैं। और फ़ोटो अपना यहाँ से सेव कर लेने के बाद फ्रेंड यहाँ से पिक्सआर्ट के अंदर अपना फ़ोटो शेयर कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई लोग, तो यहाँ से अपना फ़ोटो सेव कर लेना, तो यहाँ से अपना फ़ोटो सेव कर लेना। फ़ोटो तो पिक्सआर्ट के अंदर मैं शेयर कर लिया हूँ। तो यहाँ से अपने ब्लॉट का PNG लगाएंगे अपने इस पर। ठीक है, तो यहाँ से नीचे टाइप से बढ़ाएंगे तो यहाँ से एड फोटो पर टाइप करना, और एड फोटो पर टाइप कर लेने के बाद यहाँ से ये PNG है तो ये PNG रख लेते मैं, और यहाँ से इस पर टाइप कर देना। ठीक है, यहाँ से कुछ इस टाइप के रेज कर लगा देना, सॉरी फ्रेंड यहाँ से कुछ इस टाइप के लगा देना। ठीक है, तो लगा देने के बाद यहाँ से फिर से एड फोटो पर टाइप करना और यहाँ से एक और PNG ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एड कर लेना और एड कर लेने के बाद और यहाँ से ये लगा देना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना मस्त मेरा फ़ोटो का लुक अच्छा हो रहा है। तो आप लोग भी कर पाएंगे अगर इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप रहेंगे तो। तो गाइज इस वीडियो में एक स्टेप बाई नहीं सॉरी फ्रेंड इस वीडियो में एक चीज़ नहीं बताए हैं कि फेस स्मूथ फुल ट्यूटोरियल कैसे करते हैं ऑटोडेस्क में। ठीक है, तो गाइज ऑटोडेस्क में जाकर पेंट को कलर सॉरी फ्रेंड फेस को कलर कर किए हैं, और अगले नेक्स्ट वीडियो में फेस के ऊपर स्मूथ लेकर आएंगे, फेस स्मूथ पर वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एडजस्ट कर लेना। तो एडजस्ट कर लेने के बाद फ्रेंड यहाँ से एड फोटो पर फिर से टाइप कर देना और यहाँ से कुछ ऊपर टाइप से बढ़ाएंगे तो यहाँ से PNG ले लेते हैं। ठीक है मेरे भाई लोग, तो यहाँ से ये PNG पर टाइप कर देना और यहाँ से एड वन पर टाइप कर देना, और यहाँ से एड वन पर टाइप करने के बाद यहाँ से इस पर टाइप करना ब्लेंडिंग पे और इस स्किन पर टाइप करना। ठीक है, और यहाँ से ये लिया कर यहाँ से कुछ इस टाइप कर लगा देना। ठीक है, इतना लगा लेना। ये लगा लेने के बाद फिर यहाँ से अपना फेस पे और हेयर बार आए तो इस पर टाइप करना और इसे इरेज कर लेना। ठीक है, तो आप देख लें कितना मस्त मेरा पक्षी का फोटो लग गया है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो स्किप मत करना, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में नोटिफिकेशन दबा देना कि जब भी ऐसा एडिटिंग का वीडियो डालूंगा तभी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा। और फेस के ऊपर, फेस स्मूथ के ऊपर अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो चले फ्रेंड, तब तक बाय बाय, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय।